हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है लाउद्दीन। आज का इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप आईफोन यूज करते, आपके पास कोई सा भी आईफोन हो, आपके पास आईफोन 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, आपके पास कोई सा भी आईफोन हो, अगर आपके आईफोन में कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट हो चुका है गलती से, ठीक है, या घर में किसी ने छेड़छाड़ के कारण गलती से कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दिया, या कोई भी आपसे भी गलती से हो सकता है कि कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट हो जाए, तो आप उसे कैसे रिकवर कर पाओगे, इस वीडियो में आपको 100% वर्किंग में ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर को आप कैसे रिकवर कर पाओगे आप अपना आईफोन में। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ऐप सेटिंग ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग ओपन करने के बाद आप जो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे बता देता हूँ। आप जो एप्पल स्टोर बनाए हो, ठीक है, आप जो एप्पल स्टोर बनाए हो, मेरा तो अलाउद्दीन खान लिखा हुआ है, आप जो भी आप अपना नाम लिख के रखे हो एप्पल स्टोर बनाते समय में, उस पर आपको नाम पे सबसे ऊपर वाला में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अलाउद्दीन खान पे मैं क्लिक करता हूँ, उस पर मैं क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आई क्लाउड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे गाइस आई क्लाउड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई क्लाउड पे आपको क्लिक कर देना है। आई क्लाउड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव टू आई क्लाउड, उसका साइड में देख सकते हो सी ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सी ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको सेटिंग एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कॉन्टैक्ट, क्या करना है आपको कॉन्टैक्ट ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल में यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो ऑप्शन आ रहा है इसको, तो आपको कॉन्टैक्ट को इसको बंद कर देना है। क्या करना है, यहाँ पे आपको कीप ऑन माय आईफोन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये बंद हो चुका है, ठीक है। फिर दोबारा से आपको इसको ऑन करना है। कैसे ऑन करना है, फिर से आपको इसे ऑन कर देना है, यहाँ मर्ज पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आप उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपका जीमेल में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव होगा और गलती से डिलीट हो चुका है तो उसको आपको रिकवर करके दे देगा ये, ठीक है। ये आईफोन का ट्रिक है, इससे आप रिकवर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं बता देता हूँ कि दूसरा ट्रिक आपको यूज क्या करना है, ठीक है। दूसरा ट्रिक आपको कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है, या क्रोम ब्राउज़र हो गया, सफारी, या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल कॉन्टैक्ट। गूगल कॉन्टैक्ट आपको सर्च करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। सबसे ऊपर में आपको गूगल कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। गूगल कॉन्टैक्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे सबसे पहला लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। पहला लिंक पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे जितना भी कॉन्टैक्ट है वो आपका सारा शो हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे डिलीट हुआ, यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ पे आप हो सकता है कि आप टिक मार भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि ये मुझे कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे टिक मार कर देना है, जो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर है उसे चाहिए तो उसे टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको टिक करना है, थोड़ा सा कॉपी हो जा रहा है गाइस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है। तो क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको है कॉन्टैक्ट नंबर को उसको यहाँ पे टिक करके आपको रिकवर कर पाऊँगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस आपको जो भी यहाँ पे 196 मेरा बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए उसके आपको यहाँ पे टिक करना है, इस तरह से आपको टिक करना है। यहाँ से जो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए वो आपको टिक करना है। उसके बाद गाइस आपको करना क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ से टिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर जो डिलीट हुआ आपका रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारा कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, उसे आप यहाँ से रिकवर कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं तो वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले।